वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, ये किस तरह होती है हमारी बॉडी में? इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ शुगर ही नहीं होती बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह बनती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज है जिसका मेन कॉज है डाइट। जिस तरह ये डाइट की वजह से होती है, इसी तरह 100% इसका ट्रीटमेंट भी डाइट से ही है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनको सिर्फ शुगर ही होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें किडनी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स हैं, इसके अलावा और भी बीमारियां जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनको ये लगता है कि वो इंसुलिन कभी भी नहीं छोड़ सकते, अब उनको सारी ज़िंदगी इंसुलिन ही लगानी है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब वो अपनी इंसुलिन से जान छुड़वा सकते हैं। देखें, हर बीमारी का इलाज होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई भी सोल्यूशन ना हो। इसलिए अगर आप में से किसी को भी टाइप 2 डायबिटीज़ है और जो डेली बेसिस पे इंसुलिन लगाते हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में शुगर ना हो, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस एकदम नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है और उसके कुछ सिम्टम्स पहले शो होना शुरू हो जाते हैं, कुछ बीमारियां पहले हो जाती हैं, तो इसलिए अगर आप पहले एहतियात करेंगे तो आप बहुत सारी बड़ी बीमारियाँ होने से बच जाएंगे। अगर आपके जिस्म में मोटापा है, आप ओवरवेट हैं या ओबीस कैटेगरी में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई ना कोई मसला लाजमी है। क्योंकि अगर आपको मोटापा है और आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता होगा, या आप हार्ट पेशेंट होंगे, या आपको कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का मसला होगा। जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर्स उनको ओरल मेडिकेशंस या इंसुलिन रेकमेंड करेंगे। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपने इंसुलिन नहीं लगानी। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका मेन काम है हमारे खून में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, यानी इसका मेन मकसद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाना है। ये बात याद रखें कि जो डाइट इंसुलिन लेवल को बढ़ाती है, वो ही एंड पे इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब बनती है। हमारे डाइटरी लाइफस्टाइल में इतना चेंज आ गया है और यही वजह है कि आजकल यंगस्टर्स को 30s की एज में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना चाहते हैं, आप इंसुलिन से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल में चेंजिंग करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी डाइट लेनी पड़ेगी कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रोल होता है, जिसमें LDL, HDL, लिपोप्रोटीन, ये सारा कोलेस्ट्रोल इंसुलिन शुगर से कन्वर्ट करता है लिवर में। इसलिए अगर आप कोलेस्ट्रोल कम करना चाहते हैं तो फैट ना छोड़ें बल्कि शुगर को कम करें। फिर उसके बाद इंसुलिन सोडियम की रिटेंशन करवाता है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और वेट भी गेन होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में किस तरह होती है, इंसुलिन का लेवल ब्लड में किस तरह बढ़ता है, ये देखते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और सेल की तरफ ले जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल होते हैं, सर से पांव तक सेल के स्ट्रक्चर से ही हमारी बॉडी बनती है, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनको अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब इंसुलिन उन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब सेल्स की कैपेसिटी पूरी हो जाती है, यानी उनको जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उनको मिल जाती है। उसके बाद वो अपने रिसेप्टर्स क्लोज कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो बाकी शुगर होती है वो ब्लड में घूमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। और इंसुलिन का काम है कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, तो फिर वो उस एक्स्ट्रा शुगर को लिवर में स्टोर कर देता है फैट की फॉर्म में। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा खाना नहीं छोड़ते तो वो शुगर का लेवल हमारे ब्लड में भी बढ़ता रहता है और लिवर में भी जितना स्टोर होता है उसके ऊपर फैट बनती जाती है, जिसकी वजह से मोटापा होता है। और एक टाइम आता है कि इंसुलिन पर लोड हो जाता है और वो रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। अब बॉडी को फैट कम करने के लिए फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लिवर में पहले से स्टोर्ड फैट है वो यूज़ हो जाए। ये सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रोसेस है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से लिवर में फैट भी ज़्यादा स्टोर होती है, मोटापा भी होता है, फैटी लिवर कॉज होता है, ब्लड में शुगर लेवल भी हाई होता है, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसुलिन बढ़ाती हैं हमारी बॉडी में, वो देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आ जाती है टेबल शुगर। टेबल शुगर पहले नंबर पर है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ाने के लिए।
उसके बाद आ जाती हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर आ जाता है मैदा, बन, बर्गर, पास्ता, चिप्स, कुकीज़, बिस्किट्स, आलू, चॉकलेट्स वगैरह। उसके बाद जो एक मेन रीज़न है वो है फ्रीक्वेंट ईटिंग, यानी कि एक दिन में तीन आप मेजर मील्स भी ले रहे हैं, उसके साथ दो तीन स्नैक्स ले रहे हैं, फिर सोने से पहले भी कुछ ले रहे हैं, तो पूरे दिन में 6 से 8 खाने आप ले रहे हैं। तो जब भी आप ये खाने खाएंगे, इंसुलिन शुगर को ब्लड से निकालने की कोशिश करेगी, सेल में डालेगी, सेल पे पहले से ही जगह नहीं है तो वो इसको फैट में कन्वर्ट कर देगा लिवर में, जिसकी वजह से फैटी लिवर भी होगा। इसके बाद एक मेन रीज़न ये भी है कि आप प्रोटीन को शुगर के साथ ले रहे हैं। जैसे प्रोटीन के साथ अगर आप पेप्सी ले रहे हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, या फिर उसके बाद आप मीठा ले रहे हैं जैसे कि खीर, कस्टर्ड या आइसक्रीम खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंसुलिन को स्टिम्यूलेट करती हैं। इसके बाद स्ट्रेस शुगर को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इंसुलिन भी ज़्यादा होती है। इसके बाद जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं और ट्रांस फैट होते हैं, ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का आपस में लिंक है। अगर आपने अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको शुगर भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होता है। जब शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन लेवल भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अब हमने इससे बचना कैसे है कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल भी मेंटेन रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ना हो, और जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनकी इंसुलिन भी छूट जाए। इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी इंसुलिन से बिल्कुल जान छूट जाएगी और आपकी एकदम मुकम्मल हेल्दी बॉडी हो जाएगी। आपको मोटापा भी खत्म हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, आप खुद देखेंगे आपकी बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी, आपकी किडनीज भी नॉर्मल हो जाएंगी जिनको एक्यूट किडनी का मसला है। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा उसके साथ साथ जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अब ये किस तरह होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।